राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सियासी गर्माहट के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ तीसरे मोर्चे के नेता भी अपने अपने बयानों से माहौल में गर्मी पैदा कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर न्यूज इंडिया ने की चंद्रराज सिंधवी से खास बातचीत। विधानसभा चुनाव में समीकरणों के राजनीतिक समीकरणों के बनने और बिगड़ने का दौर लगातार जारी है और इस समय कई मुद्दों को लेकर के हमारे साथ मौजूद है चंद्रराज सिंघवी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री है और या यूं कहें कि थर्ड फ्रंट की आधारशिला के तौर पर, एक आधार स्तंभ के तौर पर जाने जाते हैं। चंद्रराज जी, राजस्थान में विधानसभा चुनाव का माहौल है, कहीं ना कहीं सियासी गर्मी चारों तरफ है। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जैन समाज को लेकर के, जैन समाज, गुलाबचंद कटारिया और ओम माथुर, ये जो माहौल बनाया जा रहा है, आगामी चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा राजस्थान की जनता? गुलाबचंद कटारिया की कर्मठता, ईमानदारी, चरित्र पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। उन्हें राजनीति से हटाने का फैसला वसुंधरा का नहीं है, चाहे न चाहे उन्होंने 5 साल वसुंधरा का साथ गृह मंत्री के रूप में दिया है। यह सब ओम माथुर का खेल है। ओम माथुर नए नए मुल्ला की तरह जोर से बांग दे रहे हैं। उन्होंने वसुंधरा को दबा दिया है राष्ट्र अध्यक्ष पद के चुनाव में ब्लैकमेल करके। उन्होंने अपनी 9 टिकटें मांगी है वसुंधरा से। मैं कहता हूं अगर जैन समाज के साथ उनकी यही नफरत की तासीर चलती रही, ओम माथुर का एक भी विधायक विधानसभा की चौकट पर नहीं पहुंचेगा। उन्होंने दलपत सुराणा को इसलिए खड़ा करवा दिया गया अपने सहयोगी भिंडर आदि के समर्थन से कि गुलाबचंद कटारिया चुनाव हार जाए, ये एक साजिश है। मैं तो चूंकि भाजपा में हूं नहीं, मेरा तो अलग मंच है और आजकल मेरा दृष्टिकोण भी भाजपा से ज्यादा कांग्रेस पक्षी हो गया है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर एक अन्याय के विरुद्ध लड़ना मेरी आदत है। ओम माथुर का राजस्थान में क्या आधार है, इसका प्रमाण यह है कि उनके गांव बीडल में सरपंच के चुनाव में उनके भाई की जमानत जब्त हुई थी। मुझे तो नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि चंद्रा जी, आप और ओम माथुर एक घर में रहते हो, मैं तभी समझ गया कि इसने कार सेवा शुरू कर दी है। मैंने मोदी जी को भी यही कहा था कि आपके लिए ओम माथुर महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पर राजस्थान की राजनीति में ओम माथुर जैसे नाम की कोई चिड़िया कहीं फुदकती हुई नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं गुलाबचंद कटारिया की अगर बात की जा रही है, जैन समाज की लॉबिंग वहां पर हो रही है, गुलाबचंद कटारिया भी संघ से जुड़े हुए रहे हैं, ओम माथुर भी वहीं से, तो ये इस लॉबिंग के पीछे की राजनीति क्या है, कारण क्या है? कारण सीधा ये है कि ओम माथुर वाज रिमूव्ड फ्रॉम संघ। ओम माथुर को प्रचारक से निकाल दिया गया था, गुलाब जी जो मेरे, ओम माथुर समझता है कि वो आगे मुख्यमंत्री पद का दावेदार है और गुलाब जी के अलावा कोई कांटा नहीं है, क्यों इन सब ने मिलकर के वसुंधरा जी की इमेज बिगाड़ दी। और यहां तक कि या जितना एंटी इनकम्बेंसी का आरोप वसुंधरा पर लगता है, उसके पीछे राष्ट्रीय नेतृत्व की फेलियर भी एक बहुत बड़ा कारण है। अकेले वसुंधरा को तो दोषी नहीं कहा जा सकता, ये ऐसा ही कर रहे हैं। वसुंधरा को हटा दिया जाए भाजपा द्वारा, गुलाबचंद को हटा दिया जाए जनता द्वारा और वो माथुर का रास्ता खुला हो जाए, ये है इसके पीछे साजिश। सबसे बड़ी बात ये भी है, टिकट वितरण को लेकर के लगातार आरोप सामने आ रहे हैं, टिकटें बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, राजनीतिक हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि कांग्रेस का शासन आतावाद से साफ दिख रहा है, भाजपा के जीतने के कोई चांस नहीं है, भाजपा बहुत पीछे है। आज की तारीख में मेरी अशोक गहलोत से 30 वर्ष बाद बातचीत हुई, उसकी बातचीत से लगता है कि वो कॉन्फिडेंट है सरकार बनेगी। ये जो आपस में लड़ाई की बातें चल रही हैं, पायलट अशोक गहलोत, इसकी ये बीमारी है, ठीक हो जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर मरे हुए संगठन पर कब्जा करने की दौड़ है, ये सत्ता की लड़ाई नहीं है। सत्ता की लड़ाई तो भाजपा हार चुकी, सत्ता की लड़ाई तो राजस्थान में भाजपा है ही नहीं। आपके मुताबिक कांग्रेस जो है यहाँ पर सरकार बना रही है, इसका आपको शक होना ही नहीं चाहिए। एक बार जब सबसे बड़ा सवाल है, चंद्रराज सिंघवी एक लंबे अरसे के बाद में कहेंगे कांग्रेस नेताओं के साथ दिखाई दिए हैं, बैठे हैं, बातचीत हुई है, गिले शिकवे क्या पुराने दूर हो गए? गिले शिकवे थे ही नहीं, मेरा तो ईगो का लड़ाई होता है, मेरी और कोई लड़ाई होती नहीं है। देखिए ना, मैं सत्ता का भूखा, मेरी पहचान कुर्सी से है ही नहीं, आई एम इंडिविजुअल। मैंने मेरे इतने मजबूत 25 आदमी मैदान में उतारने का फैसला किया जो चुनाव जीतेंगे, इसलिए निर्णय में मेरा भागीदार होना बहुत जरूरी है, होगा। अब जिस प्रकार से जैन समाज की अवहेलना की जा रही है, गुलाब जी को अभिमन्यु की तरह घेर के मारा जा रहा है, तो जैन समाज की प्रतिक्रिया मेरे पक्ष में आएगी और मैं दावा करता हूं 90% जैन समाज अगर गुलाब जी का हित हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का दमन छोड़ देगा, इनको छठी का दूध याद दिला देगा।
सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक आकलन में यह भी सामने आता है, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, थर्ड फ्रंट को लेकर के चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? थर्ड फ्रंट अपनी भूमिका कितनी सशक्त निभाएगा? बहुत अच्छी निभाएगा। हो सकता है कांग्रेस में, मान लीजिए कांग्रेस के 80 या 85 आते हैं, हंग विधानसभा आती है तो फैसला थर्ड फ्रंट ही करेगा। और थर्ड फ्रंट की मैं एक परिभाषा दे रहा हूं जो न तो हनुमान ने दी है न घनश्याम ने दी है, जो आदमी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को परास्त करता है वो सारा ही हमारे लिए थर्ड फ्रंट है। हम इसका अंतर मानते ही नहीं, मेरा निर्दलीय जीते या घनश्याम का जीते, मेरा जीते या हनुमान का जीते, उद्देश्य तो है दोनों पार्टियों को सत्ता से दूर रखना। हम कोशिश करेंगे दोनों को रोकने की, लेकिन अगर हमारे हाथ में एक कोई दूर रखना हुआ तो हम पहले भारतीय जनता पार्टी को दूर रखेंगे। ये मेरे थर्ड फ्रंट का फैसला है, मेरे निर्दलीय मंच का फैसला है। उन दोनों का क्या फैसला आप उनसे जाकर पूछिए। कहीं ना कहीं आप सीधे तौर पर अगर कांग्रेस की उस लेवल पर सीटें आती है जहां पर थर्ड फ्रंट की मदद की दरकार होती है तो आप कांग्रेस के फेवर में जाएंगे? निस्संदेह 100% बिना किसी लाभ, बिना किसी रिजल्ट, क्योंकि हम इतने बार मैं कांग्रेस में रहा हूं, कांग्रेस के मैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहा हूं, पिछले 10 वर्ष से जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने, विशेषतः वसुंधरा राजे सिंधिया ने हमारी अवहेलना की है, मैं उन लोगों में नहीं हूं तो चरणदास बन के सत्ता के लिए झुक जाए। मेरे पास भेजा था ना उन्होंने, इसको क्या नाम है इनका, इनका एक OSD है, कमठान आया था, मैंने मैसेज दिया नो लेवल दैट यू शुड टॉक टू मी। वसुंधरा को किसी किसको किसके पास भेजना चाहिए इसका हौस होना चाहिए। उनको अपने यू का ख्याल तो हम क्लर्क हैं, हमारे से बात करनी तो जावड़ेकर करता है, ये वसुंधरा करती, हर एक को भेज दिया, अरे गेरे डत्तू गेरे बहुत आते हैं। मेरी राजनीति इस प्रकार झुकने की नहीं है, स्वाभिमान का सौदा मैं करता ही नहीं और कुर्सी की मुझे जरूरत ही नहीं है। बहरहाल ये थे चंद्रराज सिंह, भी साफ तौर पर कहना है आने वाले विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा थर्ड फ्रंट अपनी एक सशक्त भूमिका निभाएगा। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहना यह भी है कि अगर बीजेपी या कांग्रेस अगर सीटें लेकर के आती है और थर्ड फ्रंट की मदद की दरकार होती है तो साफ तौर पर इनका कहना कि इनका झुकाव कांग्रेस की तरफ ज्यादा रहेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ राकेश कुमार, न्यूज इंडिया, जयपुर।